अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्लॉग्स बाय मानूर, क्योंकि आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अब मिलने वाली हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ करी लीव्स के बेनिफिट्स फॉर हेयर, क्योंकि ये बहुत ईजी सा टॉनिक है, बहुत ईजी, आप इसको टोनर कह सकते हैं, सीरम कह सकते हैं, और ये बिल्कुल ईजीली जो है आप बना सकते हैं। वैसे तो हम करी लीव्स को खाने में इस्तेमाल करते हैं और उससे खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा टोनर शेयर करने लगी हूँ जिसको यूज़ करने के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और उनकी रीग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीव्स को आपने उतार कर उनको धो लेना है, फिर आपने एक सॉस पैन लेना है और उसमें आपने एक जो है थोड़े से जो एक आपने लीव उतारा होगा उसके सारे पत्ते उतार कर आपने उस पैन में डाल लें। देन आपने एक कप वाटर का ऐड करना है, पानी आपने एक कप डालना है उसके अंदर, और फ्लेम को आपने जो है बिल्कुल हाई नहीं रखना, लो टू मीडियम रखना है, लाइक मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, और आपने इसको 10 मिनट्स के लिए पकाना है, और आपने इसमें थोड़ा सा चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें जो है ये लीव्स डिसॉल्व हो जाएं। देन आपने ये देखना है कि जब इसका कलर चेंज हो जाए और जब आपको लगे कि पानी एक कप से हाफ कप रह गया तो आपने जो है इसको उतार लेना है, और फिर आपने इसको उतार कर जो है वो स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करते हुए आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना ही प्यारा हो गया, ग्रीन ग्रीन सा इसका कलर हो गया, और सीरियसली ये बहुत अच्छा हेयर टोनर है। मैंने इसको ख़ुद भी यूज़ किया है और इससे काफ़ी जो है वो रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है बालों की, तो आप इसको ज़रूर बनाएं और ज़रूर अपने बालों पर भी अप्लाई करें। उसके बाद देन आपने क्या करना है, आपने एक स्प्रे बॉटल ले लेनी है, इस तरह की स्प्रे बॉटल हो जाए, या आपके पास कोई दूसरी स्प्रे बॉटल पड़ी है तो आप उसमें शिफ्ट कर लें। इससे क्या होगा, आप इजीली अपने बालों पर इसे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने आपको दिखाया, स्प्रे करें अपने बालों में, और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 1 वीक के लिए। अगर आपने मतलब इसको बना कर रखना है तो आप इसको 1 वीक के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, और ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके बालों के लिए और आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसको ज़रूर बनाएं और इन समर्स में ज़रूर इसको अप्लाई करें फॉर बेटर हेयर ग्रोथ। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।